छत्तीसगढ़ में वोटों की गिनती का काम शुरू हो चुका है। मध्य प्रदेश की 230 सीटों के लिए वोटों की गिनती का काम हो रहा है और छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीटों के नतीजे आज आने हैं, तो वोटों की गिनती का काम वहां शुरू हो चुका है। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के लिए तगड़े इंतजाम किए गए हैं, जैसा कि लगातार सुबह से ही हमारे रिपोर्टर्स आप तक ये तस्वीरें पहुंचाते रहे हैं। मतगणना शुरू होने में सबसे पहले जो डाक मतपत्र हैं उनकी गिनती का काम होगा और उसके बाद ईवीएम मशीनों से वोटों की गिनती की काम शुरू होगा। जो अस्मिता तस्वीर दिखा रही थी, आसिफ, आप लोगों ने बहुत मेहनत की है अपने डेस्क को सजाने में, तो जिस तरह से एग्जिट पोल्स ने फोटो फिनिश बताया है मध्य प्रदेश में, क्या उसी तरह से आप लोगों ने बराबरी का हिस्सा रखा है दोनों पार्टियों के नेताओं की फोटो वहां पर टांगने में? बिल्कुल सिक्ता जी, देखिए हमारे सहयोगी, मेरे वरिष्ठ सहयोगी आरिज, कल हम और वो साथ बैठे थे और जब बात कर रहे थे तो उनका कहना था कि फोटोज वो लगाएंगे जिनके पीछे कोई कहानी हो। ये तो हजारों तस्वीरें हैं लगाने के लिए, लेकिन वो कह रहे थे कि कुछ ऐसी फोटो लगाएंगे जिनके पीछे कहानी हो। तो जब सिंधिया ने बीजेपी ज्वाइन की तब पीएम मोदी और सिंधिया के साथ की वो फोटो थी, थोड़े गैप भी है बीच में उस फोटो में। ये कितना भर पाया है ये आज पता लगेगा। हाँ। कि जो काम दिया गया सिंधिया को वो खुद नहीं लड़ रहे हैं। हाँ। हालांकि एक दिलचस्प कहानी ये भी है कि जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीजेपी ज्वाइन की और सात सांसदों को, तीन केंद्रीय मंत्रियों को जब लगा दिया गया ड्यूटी पर, तो एक बात ये भी आ रही थी कि क्या खुद सिंधिया विधानसभा का चुनाव लड़ने उतरेंगे, जो कि वो आज तक नहीं उतरे। तो ये एक सवाल था। और ये भी आ रहा था कि एक जो पारंपरिक सीट बनी हुई है शिवपुरी, गुना शिवपुरी लोकसभा क्षेत्र है और शिवपुरी विधानसभा सीट, तो क्या वो अपनी बुआ यशोधरा की सीट पर जाकर चुनाव लड़ेंगे? तो इसको लेके कांग्रेस में इतना कौतूहल था, इतना कंफ्यूजन था कि एक केपी सिंह पिछोर वाले जो हैं बहुत सीनियर लीडर हैं, उनकी सीट अदला बदली करते रहे कि सिंधिया लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे हैं। और फिर जो कपड़ा फाड़ वाला बयान था दिग्विजय और कमलनाथ में, वो दरअसल उसी सीट को लेकर आया था। तो वो जो दिस दूरी की बात कर रहे थे आप पीएम मोदी और सिंधिया के बीच में, वो कितनी बीच में कम हुई है या वो बढ़ेगी या क्या चीजें होंगी, वो आने वाली चीजें। वो इलाका है काफी इंटरेस्टिंग भी होगा। बिल्कुल, ग्वालियर चंबल बहुत इंटरेस्टिंग भी होगा। रविंद्र, डाक मतपत्रों की जो वोट है, वो मतपत्रों की काम जो है, गिनती का काम वो शुरू हो चुका है, तो आप जो कह रहे हैं आखिरी लम्हों में यही मतपत्र जो होते हैं वो फेरबदल ऊपर नीचे मामले को कर देते हैं? जी बिल्कुल। देखिए शिक्षक जी, ये जो डाक मतपत्र है ना, ये सबसे अहम है, क्योंकि ये हमने पिछले कई चुनाव में देखा है कि लेकिन इस बार थोड़ा सा अलग है। हमेशा हमने देखा कि डाक मतपत्रों की जो गिनती होती है वो ऑफिशियल्स की होती है, जो नौकरी पेशा लोग हैं। तो उसमें हमने लगभग हर इलाके से यही खबरें आती हैं कि बीजेपी उन इलाकों में लीड करती है और डाक मतपत्रों में बीजेपी को काफ़ी बढ़त हमने कई चुनावों में देखा है। लेकिन इस बार ये जो चुनाव आयोग ने पहल की है, ये बहुत ही सराहनीय पहल है और इससे उन बुजुर्गों को या दिव्यांगों को भी अपने घर से मतदान करने का मौका मिल गया। देखिए इससे मत प्रतिशत में भी बढ़ोतरी होगी और जिस तरीके से चुनाव आयोग लगातार स्वीप कैंपेन्स चलाता रहा, चुनाव आयोग की भी तारीफ करने का ये वक्त है। सिक्ता जी, आप लोग भी बिल्कुल, अस्मिता ने सही बात कही है कि पत्रकार भी जिस तरीके से इस उत्सव के उत्सव की तरह से इसको मनाते हैं, ठीक वैसे ही चुनाव आयोग मनाता है। इलेक्शन कमीशन ने भी जो स्वीप कैंपेन्स चलाए हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज एक अपना कैंपेन रन करती हैं, ठीक उसी तरीके से, उसी गति के साथ और उसी इंटेंसिटी के साथ चुनाव आयोग ने इस बार जो है स्वीप कैंपेन चलाए हैं ताकि मत जो वोट प्रतिशत है उसमें बढ़ोतरी हो। हर इलाके में अपने लोकल जो यूथ आइकन्स हैं या लोकल आइकन्स हैं, उन लोगों को पिचिन किया है और उसका असर देखिए हमको चुनाव दर चुनाव देखने को मिल रहा है कि वोट प्रतिशत जो है उसमें बढ़ोतरी हो रही है। उसी तरीके से मतगणना के जो जहां पर मतदान केंद्र होते हैं उनको भी बिल्कुल सजाया जाता है और रेड कार्पेट बिछाया जाता है ताकि मतदान करने के लिए जो लोग आए उनको इस बात का एहसास हो कि आज लोकशाही के राजा रानी वही लोग हैं। और उसी तरीके से मतगणना केंद्र, बात करें, मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि तीन सीटों का एक तरह से रुझान आने लगा है। बीजेपी उन दो सीटों में आगे इस वक्त चल रही है और कांग्रेस एक सीट पर आगे चल रही है, जैसे कि हम अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस एक सीट पर इस वक्त आगे चलती दिखाई दे रही है। तो और साफ होंगे इस पर हम बात करेंगे, लेकिन इस वक्त छत्तीसगढ़ से कांग्रेस के प्रवक्ता अजय साहू जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय साहू जी की तरफ रुख कर रहे हैं, मेरे सहयोगी जुल्फिकार भी हमारे साथ बने हुए हैं, प्रोफेसर बद्री साहब भी हैं और उसके साथ साथ अस्मिता मेरे सहयोगी न्यूज रूम से हैं। अजय साहू जी, स्वागत करता हूं आपका। बड़े तैयार लग रहे हैं सर, सुबह सुबह एकदम फुल कॉन्फिडेंट हैं क्या? अच्छे भी लग रहे हैं। निश्चित तौर पर, बिल्कुल। जिस तरीके से 2018 में आत्मविश्वास से लबरेज थे हम,
और आज भी 2023 में, चूंकि 5 वर्ष हमको और हमारी सरकार को छत्तीसगढ़ की जनता का सेवा करने का अवसर मिला, तो हम अपने काम के आधार पर पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं कि इस बार हम 75 पार के साथ फिर से छत्तीसगढ़ में गरीबों की सरकार, कांग्रेस की सरकार, किसानों की सरकार बनाएंगे। और जो जो आपने, मुझे तो 2018 का दिन याद आ गया, जैसे ही मतगणना शुरू हुई थी और एक सीट पर हम आगे बढ़ गए थे, बढ़त ले ली थी हमने, और वो बढ़त फिर कभी कम नहीं हुई। आज भी वैसा ही लग रहा है, जिस तरीके से पहला डिबेट हम शुरू करने जा रहे हैं और एक सीट पर कांग्रेस आगे चल रही है, तो निश्चित तौर पर ये लगता है कि हम फिर से यहाँ पर प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। अजय जी, जब आखिरी लम्हों में बीजेपी ने भ्रष्टाचार का मुद्दा आप लोगों के खिलाफ उठाया, तो थोड़ी हिम्मत कम हुई थी, कुछ घबराहट बढ़ गई थी क्या? देखिए, हमने लगातार भारतीय जनता पार्टी का इलेक्शन कैंपेन देखा है, चाहे आप बंगाल की बात कर ले, चाहे कर्नाटक की बात कर ले, या जिन भी स्टेट्स में इलेक्शन होते हैं, हिमाचल की बात कर ले, बीजेपी इसी तरीके का एक माहौल बनाने का प्रयास करती है। लेकिन छत्तीसगढ़ के लोगों ने बहुत अच्छे से देखा है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के 15 वर्षों के कुशासन में उनकी स्थिति क्या थी, और आज जब 5 वर्ष में कांग्रेस पार्टी की सरकार, भूपेश बघेल जी की सरकार जब शासन चलाती है, तो उनका जो लाइफ स्टाइल है, कौन आपको रोक रहा हूं? कब दिग्विजय, दिग्विजय सिंह इस वक्त वहाँ पत्रकारों से बात करें। अजय जी, उनको पहले सुन लेते हैं। सर, ज्योतिरादित्य सिंधिया कितना बड़ा फैक्टर होने वाला है, पिछली बार आप लोगों के साथ? ठीक है, दिग्विजय सिंह जाहिर बात है कि यही कह रहे होंगे, 130 135 सीटें वो पहले से कहते आए हैं। दिग्विजय सिंह की बात आपको सुनाएंगे, हाँ, और हम बात करेंगे अजय जी से भी। लेकिन आपको न्यूज रूम ले चल रहे हैं, क्योंकि न्यूज रूम में इस वक्त एक अपडेट आ रही है और बड़ी खबर यह है कि 3 सीटों पर 4 सीटों पर बीजेपी और 3 सीटों पर कांग्रेस रुझानों में आ गया। अस्मिता, क्या अपडेट आपके पास? बिल्कुल, रुझान यहाँ पर आना शुरू हो गए हैं और अपडेट आपको एक एक करके बताएंगे। मेरे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी आरिस भी हैं, और आरिस से मैं पूछूंगी कि अपडेट क्या कुछ है आरिस, क्योंकि आज अहम जिम्मेदारी आप निभाते हुए नजर आ रहे हैं, सबको लीड कर रहे हैं। आप अस्मिता, आप देखेंगी जैसे 8 बजा है, यहाँ पर नंबर आने शुरू हो गए हैं। मध्य प्रदेश में सबलगढ़ है, वहाँ पर कांग्रेस आगे है, कवर्धा की बात करें तो वहाँ कांग्रेस आगे है। तो वन बाई वन जिस तरीके से दिखाया है, यहाँ पे जा रहा है आपको, हम दिखाएंगे कि छत्तीसगढ़ में कवर्धा देखिए कांग्रेस यहाँ पर आगे है, ऐसे ही मध्य प्रदेश की कई सीटें वहाँ पर आ रहा है। ओवरऑल अगर देखेंगे आप मध्य प्रदेश में, तो 5 पे कांग्रेस आगे और 4 पे बीजेपी आगे है। अन्य को यहाँ पर 0 भी आया है। छत्तीसगढ़ की बात करो तो यहाँ पर 2 पे कांग्रेस और बीजेपी का भी 0 खाता नहीं खुला है। आप वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें, कवर्धा के बाद अंबिकापुर का भी छत्तीसगढ़ में आ गया है, वहाँ भी कांग्रेस आगे है। तो ये 12 बजे तक बिल्कुल समझ में नहीं आएगा आपको कि कैसे नंबर्स चेंज होते जा रहे हैं। लेकिन अभी पोस्टल बैलेट है वो शुरू हुआ है, अभी जो EVM से वोटिंग होती है उसकी शुरुआत अभी नहीं हुई है। लेकिन जिस तरीके से चेंजेस आ रहे हैं, अब यहाँ पे आप देखिए, आपसे भी थोड़ी देर पहले बात की थी, उसमें और अब में मध्य प्रदेश में अब तक बदलाव इसमें आ चुके हैं। तो ये अब तक का आंकड़ा देखिए, आपको मध्य प्रदेश का दिखाते हैं। दिमनी में बीजेपी आगे है, भिंड में कांग्रेस आगे है, इंदौर में बीजेपी आगे, इंदौर 1 से बीजेपी आगे है, खुरई से बीजेपी आगे है, सुर्खी से बीजेपी आगे है। तो इस तरीके से बार बार जो अपडेटेड नंबर से आ रहे हैं, लेकिन अभी मुश्किल से 12 मिनट हुआ अभी काउंटिंग शुरू होते ही, उसमें भी ये पोस्टल बैलेट है, तो कई सारे चेंजेस होंगे, बदलाव होंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगले 2 घंटे में जो तस्वीर है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की, वो साफ हो जाएगी। जिस तरह से कहा जा रहा है कि अभी बस 12 मिनट हुए हैं और 8 बजे शुरू हुआ है रुझान, तो 9 बजे तक आसिफ कहा जाता है कि थोड़ा बहुत जो रुझान है वो क्लियर होना शुरू होगा, लेकिन जो पूरा रुझान है वो 12 बजे तक क्लियर होगा। शहजाद हमारे साथ रनडाउन में बैठे हैं, क्योंकि और ये बहुत अहम जिम्मेदारी होती है, ऐसे में शहजाद से भी जानना ज़रूरी है। आप सुबह से ही बैठे हुए हैं शहजाद, और क्योंकि जो मतगणना है वो शुरू नहीं हुई, उससे पहले जो तैयारियाँ थी वो तमाम तस्वीरें आपने देखी और दर्शकों तक पहुँचाने की कोशिश की, क्या कुछ नज़र आया खास? देखिए, बिल्कुल सुबह से ही हम लगे हुए हैं और जो हमारे दर्शक हैं उनको पल पल की अपडेट दे रहे हैं। अगर हम काउंटिंग की बात करें तो जो सुबह का पहला रुझान आया उसमें हम लगातार उसको दिखा रहे हैं, और अगर हम बात करें तो अभी तक 9 सीटों का मध्य प्रदेश में रुझान आया है, जिसमें से बीजेपी 4 पर आगे है, जबकि 5 पर जो है कांग्रेस आगे चल रही है। वहीं छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ में जो है अभी तक जो